Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. मामा 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 हाँ, हाँ, मामा सूरज पास हो गया है, वो डॉक्टर बन गया है। सच में? हाँ, मैंने कहा था ना, वो सिर्फ डॉक्टर नहीं बनेगा, वो पूरे कॉलेज में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा। ये देखिए उसकी फोटो अखबार में छपी है, देखिए ना उसकी फोटो। कहाँ है फोटो? हाँ, देख नहीं पा रहे हैं, इतनी बड़ी फोटो है, आप देख नहीं पा रहे? हाँ, ये रही, ये वो रही। कहाँ है? देख नहीं रहा है कहीं? वो कहाँ है यहाँ? वो तो कॉलेज गया है। ओ, कॉलेज? मैं चलता हूँ। सलीम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस? अरे छोड़िए ऑफिस, आज कौन ऑफिस जा रहा है, कौन काम करेगा आज? आज सिर्फ हम लोग खुशियाँ मनाएंगे, सिर्फ खुशियाँ। ड्राइवर ड्राइवर गाड़ी निकालो। वाह रे, दोस्त हो तो ऐसा हो। दुनिया में मैंने बहुत दोस्ती देखी है, लेकिन इतनी गहरी दोस्ती मैंने कभी नहीं देखी। कॉन्ग्रेचुलेशन सूरज, सॉरी डॉक्टर सूरज। सुनो, हर कोई जानता है तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, इसलिए मैं तुम्हारा आदर करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन नहीं, ये सच नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा आदर करता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे विश्वास है तुम एक ना एक दिन देश के लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करोगे, देश के लोगों की सेवा करोगे। ये बात याद रखना सूरज। बेस्ट ऑफ द लक। थैंक यू सर। सूरज। ओ सूरज। क्या रे, आज इतना बड़ा दिन है, तू यहाँ क्या कर रहा है? अखबार में पढ़ के तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे आ गया पता करने। और इसलिए तूने मुझे इतनी बड़ी बात बतानी जरूरी नहीं समझी? मैं तुझे नहीं बताऊंगा, जो मेरी खुशी से इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश होता है। अगर इस दुनिया में मुझे तेरे जैसे दोस्त का साथ ना मिलता तो पता नहीं मैं आज कहाँ होता। मेरी कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं है दोस्त, ये तेरी भी है। बस बहुत लेक्चर हो गया। सुन, आज तुझे मैं भरपेट मिठाई खिलाऊंगा। एक मिनट रुक जा। क्यों? ओ, लगता है अभी भी उससे मिलना तेरा बाकी है। तू किसकी बात कर रहा है? और किसकी, जो तेरा प्यार ना पाकर भी तुझे दिलो जहां से प्यार करती है। ओ, वो आ गई। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अभी मैं और सलीम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। आप मेरे बारे में बात करते हैं? मैं जानती थी आपका रिजल्ट सबसे अच्छा होगा। अब आप विलायत नहीं जाएंगे? नहीं जाएगा मतलब? जरूर जाएगा, 100% जाएगा। इसे तो मैं विदेश भेज के ही रहूंगा। आपका क्या ख्याल है? मैं इसमें क्या बोलूं? बोलना तो पड़ेगा। अच्छा ठीक है ठीक है, चल चलता हूँ। भगवान करे तुम बहुत तरक्की करो। सूरज जी ने मेरी दोस्त का इनविटेशन एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब वो तुम्हारे घर में जाने वाले हैं। पर मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। तू क्यों बुलाएगी? मेरे रहते तू क्यों? तेरी तरफ से मैंने ही कह दिया ताकि तुझे मौका मिले बगल में बिठा के प्यार से मिठाई खिलाने का। मैं क्यों मिठाई खिलाऊंगी उसे? ठीक है, फिर मैं मना कर देती हूँ। सुन, सुन, सुन। नहीं 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 नहीं, गांव में जाकर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अरे गांव से आकर के ही तो डॉक्टर बना है। आप जरा चुप रहिएगा। ठीक है, जा, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। सुन, ये सब पागलपंती बंद कर। तुझे विदेश जाने का मन नहीं है तो तू शहर में रहकर प्रैक्टिस कर, मेरे घर पर रह के, मेरे साथ रहकर। हाँ सही कहा। अरे तू नहीं रहेगा तो इसका खाना हजम नहीं होगा। फिर से बक बक। नहीं नहीं, मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगा, तुझे मेरे साथ रहना ही पड़ेगा। माँ बाप को खोने के बाद तेरे घर पे तेरे साथ आज मैं 7 साल से हूँ। तूने खाना दिया, तूने कपड़े दिए, तेरे पैसों से आज मैं डॉक्टर बना। तो फिर मुझे दुख देकर क्यों मुझसे दूर जाना चाहता है तू? तुझे पता है कि तू चला जाएगा तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। तू प्लीज मुझे परमिशन दे। दे दे बेटा, परमिशन दे दे। आप चुप रहिएगा। क्यों चुप रहूं? मैं ज्यादा देर चुप नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते हैं? क्यों चुपचाप नहीं रह सकते हैं? मुझे बोलना पड़ेगा। मामा बोल दीजिए ना।
ज्यादा देर चुप रहने से मेरा पेट खराब हो जाता है, पेट के अंदर भुटभट करता है। भुटभट करता है। हाँ। सलीम मुझे मेरा सपना पूरा करने दे। गरीब लोगों की सेवा करने के लिए तो डॉक्टर बनना चाहता था ना मैं, और उसके अलावा 7 सालों से मैं गांव नहीं गया, घर की क्या हालत है वो देखना चाहता हूँ। तो कब सोचा है जाने के लिए? अगर तूने परमिशन दे दी तो आज शाम की ट्रेन से चला जाऊंगा। रोज मुझे कॉल करना। अच्छा ठीक है। अच्छा बोलने से नहीं चलेगा, भूलना नहीं तो हम दोनों परेशान हो जाएंगे। वक्त पे खाना पीना करना, और दिल ना लगे तो यहाँ आ जाना। मच्छरदानी लगा के सोना, मलेरिया अगर एक बार हो गया तो सीधा ऊपर। आप अपना मुंह बंद रखिए। अच्छा ठीक है। ये ले रख रसीद। ये किस चीज की रसीद है? किस चीज की? दवाई की। गाँव में तो जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक से काम नहीं चलेगा। देखो ट्रेन चालू हो गई। हाँ, जा जल्दी। हाँ, चलता हूँ। ठीक है, ये ले, ये बादाम ट्रेन में बैठ के खा। जा जा जा, चलता हूँ। जा जल्दी जा। हाँ जा। सलीम अपना ख्याल रखना। हाँ, जा। पहुँच के कॉल करना। ठीक है। मैंने पहले ही कहा था, और देर मत कर, ट्रेन चली जाएगी। देख चली गई। देखा कितना कठोर दिल है, जाने से पहले मिलकर भी नहीं गया। रिजर्व कंपार्टमेंट है। आपने मुझसे कुछ कहा? जी हाँ, मैं आपको ही कह रही हूँ कि सीट मैंने रिजर्व की है। अच्छा, सुनिए। बोलिए मैडम। ये आदमी ना मुझे बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है। थैंक यू मैडम। क्या हुआ? मैंने आपको क्या कहा? आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा कि कोई आप दोनों को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, मैं चलता हूँ मैडम। मैं थोड़ी देर सो रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कोई आकर मुझे डिस्टर्ब ना करे। प्लीज इसे वहां रख दीजिए। प्लीज जाओ तुम, अब उसे लेकर आओ। ये क्या? मेरा शॉल कहाँ गया? गया कहाँ?
मेरी चादर को ढूंढने गया है। क्या हुआ भाई? इंजन खराब हो गया, ट्रेन आगे नहीं जाएगी। अब क्या करें? स्टेशन शायद पास ही में है, रात वहीं गुजारनी पड़ेगी। मैंने आपसे नहीं पूछा। मैंने भी आपसे नहीं कहा। कुली, कुली! अरे मैडम, अब यहाँ पे आपको कुली कहाँ से मिलेगा? बाबा, कितनी दूर चल के आना पड़ा। हाँ, लगभग 2 किलोमीटर तो हो गई। उससे भी ज्यादा। ये क्या, आप क्यों कह रहे हैं? ठीक है, फिर नहीं कहूंगा। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। अरे कहाँ चल दिए? बैठिए बैठिए, यहाँ कहीं और आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। ओ, मेरी वजह से उठ गई। ठीक है, तो फिर मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। आप बैठिए, मैं चला जाता हूँ। ओ हाँ, एक और बात, जाने से पहले मैं आपको एक सही सलाह दे के जाना चाहता हूँ। सुनने में आया है कि ये जगह सेफ नहीं है, और ऊपर से यहाँ के लोग भी अनजाने हैं। आप अकेली हैं, किसके मन में क्या है ये बोलना बहुत मुश्किल है, तो सावधानी से रहिएगा। चलता हूँ। बैठिए। मैंने तो आपसे कहा ही था ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है, और वैसे भी यहाँ के लोग आपके जान पहचान के एकदम नहीं है, सिर्फ मेरे अलावा। लीजिए, चाय पीजिए। नहीं। अरे लीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। अरे लीजिए ना। कहा तो मैंने नहीं। कहा ना, लीजिए लीजिए। मैंने आपको चाय पीने के लिए कहा था, मुंह जलाने के लिए नहीं। गाना आता है? नहीं। क्या? आता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। पता है, गाने सुनना मुझे बहुत पसंद है, तो इसी बात पे गाइए। ये क्या गाना गाने का समय है? अरे बाबा, यही तो गाना गाने का समय है। चारों तरफ इतने सारे लोग घूम रहे हैं, और वो दो पागल आपको तब से परेशान किए जा रहे हैं, और मैं और आप यहाँ पे ऐसे चुपचाप बैठे हैं, और एक पागल के साथ। करेक्ट करेक्ट, लेकिन मैं गाने के लिए पागल हूँ। एक गाना सुनाइए ना। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझे शर्म आती है। ओ, शर्म आ रही है? ठीक है, आप यहाँ शर्म के साथ बैठे रहिए, मैं चलता हूँ। सुनिए, जब तक मुझे कोई गाना नहीं सुनाता, तो मैं किसी की रखवाली नहीं करता। ओ, जाने से पहले एक और बात सुन लीजिए। इससे पहले जहाँ बैठी थी,
ये जगह उससे भी ज्यादा खराब है। क्यों क्यों बताइए ना। सुनने में आया कि यहाँ पहले कोई शमशान घाट था। शमशान? हाँ शमशान। वो देखिए दूर में पेड़ नजर आ रहा है। पता है आपको रोज रात को वहाँ क्या होता है? क्या? बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। ऐसी मुसीबत में किसी अकेली लड़की को डराना कहाँ की शराफत है बताइए। ऐसी अंधेरी रात में गाना जानने के बाद भी एक भोले भाले मासूम इंसान को गाना नहीं सुनाना, ये कहाँ की शराफत है। देखता हूँ खाने के लिए कुछ यहाँ पे मिल जाए। कह रही थी कि हम यहाँ इस तरह। अरे डरने की कोई बात नहीं, मैं यूं गया और यूं आया। क्यों ना मैं भी। अरे बाबा अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो ये स्टेशन के लोगों के साथ बैठ जाइए। नहीं नहीं। पूरी रात बिना खाए रह पाएंगी? रह लूंगी। तो फिर चलिए रात यहीं गुजार ली जाए। हाँ अभी अगर वो चादर होती तो फिर यहाँ बिछा लेते। अब क्या ही करें। अगर अभी शॉल रहता तो कितने काम में आता। ओ हो रे
कबूतर का जोड़ा, देखने से ही मन में शांति आ जाती है। भगवान न करे मेरी नजर लग जाए। क्या बेटा, तुम्हारी नई बीवी है? बीवी? किसकी बीवी? हाय रे मेरी किस्मत, और कौन? तुम? तो तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए बेटा? शादी? किसकी शादी? थोड़ी गुस्सेल है ना बेटा, भड़क गई है लगता है। सुनिए, क्या कह क्या रही हैं आप? तुम दोनों की ही बातें कर रही हूँ, मियाँ बीवी की बात। बीवी? मैं किसी की बीवी नहीं हूँ, मेरी कोई शादी नहीं हुई। हाय रे मेरी किस्मत, ये तूने क्या कहा? शादी नहीं हुई, मियाँ बीवी नहीं हो? तुम किसकी बेटी हो और तुम भी कैसे लड़के हो? हाँ, इस सुनसान स्टेशन में एक लड़की के साथ बैठे हो? अरे मोरे मैया, इस दुनिया को क्या हो गया है? अरे तुम लोग कौन? कहाँ? दादी जी, हाँ? हम लोग पति पत्नी है। पहले बताओगे तो बेटा। गलती हो गई दादी। मेहरबानी करके थोड़ा शांत हो जाइए, प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए, वरना ये बुढ़िया हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगी। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। ये लड़की ऐसे क्यों कर रही है? वो एक्चुअली इसे ना बहुत भूख लगी है। भूख लगी है मेरे रहते। ये लो, खाओ। ये लीजिए, खा लीजिए। नहीं, मुझे नहीं खाना। प्लीज खा लीजिए ना। मुझे नहीं खाना कह दिया। दादी माँ इतना प्यार से दे रही है, खा लीजिए ना। ए छोकरे, बीबी गुस्सा हो तो ऐसे खिलाते हैं, हाथ को मुंह के पास ले जाकर खिलाओ। ठीक है ठीक है, मैं खा रही हूँ। अरे ले ले, पति के हाथ से खा ना, ये खाकर क्या पेट भरेगा? मैं जाती हूँ, कुछ और खाने को ले आती हूँ, तुम तब तक सो जाओ। सुनिए, सुबह हो गई है, उठिए। नहीं। अरे बाबा, ट्रेन छूट जाएगी, उठिए। जाने दो। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा। अरे क्या कह रही है मैडम? अरे ओ मैडम, ट्रेन छूट जाएगी, उठिए उठिए। मैडम मैडम, ट्रेन छूट जाएगी, उठिए उठिए। चलिए जल्दी चलिए, वरना ट्रेन छूट जाएगी। ये लीजिए, बैग लीजिए, चलिए चलिए। आप यहाँ आराम से बैठिए, सीधे घर पहुंच जाएंगी। और आप? मैं अब दूसरे कंपार्टमेंट में चढ़ जाऊंगा, ये तो आपका रिजर्व्ड कंपार्टमेंट है। मैंने आपको बहुत परेशान किया, उसके लिए मुझे माफ कीजिए, चलता हूँ। आपको कहाँ उतरना है? मधुपुर। मधुपुर? आपका नाम? सूरज वर्मा। मैं सलीना चौधरी। अरे शंकर चाचा, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ बेटी, लेकिन तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है। ये क्या? हाँ, क्या हुआ? जल्दी चलो। हाँ चलिए। अजीब है। पापा? अब कैसे हैं पापा? कुछ नहीं हुआ बेटी, पैर का वही पुराना दर्द। अब कैसे हैं आप? ठीक हूँ ठीक हूँ। जानती हो बेटी, तुम्हें देखने के लिए मेरा दिल तरस गया था। सुना है रास्ते में? वो सब बातें छोड़िए पापा,
आपकी तबीयत इतनी बिगड़ गई, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं शहर से अच्छे डॉक्टर को ले आती। क्या होगा डॉक्टर को दिखाकर? डॉक्टर तो खुदा नहीं है बेटी, मेरा शरीर ही मेरे वश में नहीं है। मैं जानता हूँ मेरा वक्त आ गया है। पापा, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं पागल हो जाऊंगी। नहीं बेटी, तू हार जाएगी तो कैसे चलेगा? अपने आप को संभालना होगा। तुम भूलना मत, तुम मेरी इकलौती औलाद हो, मेरी सारी संपत्ति की एकमात्र वारिस। मेरे बाद ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर होगी बेटी, तुम्हें रक्षा करनी होगी, हमारे कुल, हमारी मर्यादा, हमारी इज्जत की। मुझे पता है तुम जरूर कर पाओगी। तुम्हारी मदद के लिए मैंने ये इस नए मैनेजर को रखा है, ये तुम्हें सब समझा देगा। ए चिंतामणि जी, कल से मेरी बेटी मेरी कुर्सी पर बैठेगी। तुम गांव में सभी को ये खुशखबरी दे दो। जी ठीक है। ये रहा, देखिए, ये है इस साल का सारा हिसाब। सिर्फ नया टोला से इस साल हिसाब नहीं आया है, इसके लिए अदालत में फैसला भी चल रहा है। क्यों, केस किया है क्या? जी नहीं, तो वो लोग हमें ब्याज नहीं देंगे ना। क्या जरूरत थी? मैनेजर साहब, राजा साहब से कोई लड़का बाहर मिलने आया। बोल दे अभी नहीं मिल सकते। अरे नहीं नहीं, कह रहा था बहुत जरूरी है। गधा, राजा साहब बीमार है, उसे पता नहीं? जाके बोल नहीं मिलेंगे। कह रहा था कि जाओ तुम उन्हें अंदर लेके आ। ठीक है। सुनिए, पिछले साल का हिसाब दिखाइएगा जरा। दरअसल मैं नया हूँ तो इसलिए सारा हिसाब मैं अभी तक कर नहीं पाया। कौन हो तुम, बिना इजाजत के आके बैठ गए? बोलिए। राजा साहब से मिलने आया था, लेकिन पता चला आपको कहने से भी हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। इस गांव में पीने का पानी सिर्फ एक ही तालाब में मिलता है, और वो आपके इस राजमहल में है। मैं सिर्फ एक ही बात जानना चाहता हूँ कि सिर्फ आप लोगों के कपड़े बर्तन धोने की सुविधा के लिए आप लोगों ने इस तालाब से गाँव वालों को वंचित क्यों करके रखा है? इसका जवाब क्या तुम्हें देना होगा? बढ़िया है, पता है किससे बात कर रहे हो? इस गांव के जमींदार अशरफ चौधरी की इकलौती बेटी और उत्तराधिकारी सलीना चौधरी के साथ। पता नहीं था, अब पता चल गया। पर मैं यहाँ किसी से जवाब मांगने या झगड़ा करने नहीं आया, मैं सिर्फ एक बात जानने आया हूँ। ये हुक्म क्या अब राजा साहब ने खुद दिया है? ये सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मुझे जानने की जरूरत है मैनेजर बाबू। मतलब गाँव का तालाब बंद करने से पहले आपने क्या पापा से परमिशन ली थी? इन सब मामलों में फैसला लेने का हक तो मुझे ही है। ओह, तो इसका मतलब परमिशन नहीं ली थी और इसीलिए पापा को कुछ नहीं पता। अब राजा साहब बीमार हैं, इसलिए छोटी मोटी बातों में उन्हें परेशान करना अच्छा नहीं लगता है ना? क्या कहा आपने? ये छोटी मोटी बात है? गांव के हजारों लोगों की जिंदगी और मौत जिसके ऊपर टिकी है। पीने का पानी सिर्फ थोड़े से कपड़े और बर्तन धोने की वजह से वो तालाब बंद नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक अन्याय नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अब इसी वक्त बाहर जाइए और गांव वालों को बता दीजिए कि तालाब खुल गया है और उन्हें पानी भरने से किसी भी तरह की मनाही नहीं है। और भविष्य में अगर गाँव वालों को कोई हुक्म देना हो, अगर आप राजा बाबू को परेशान नहीं करना चाहते, मैं आपको हुक्म दे रही हूँ, आप मुझसे आकर कहिएगा। जाइए। क्या खबर है सलीम भाई? वहाँ देखो तो, ये दवाइयाँ कहाँ मिलेंगी? शहर के किसी भी दुकान में ये दवाई नहीं मिल रही है, लेकिन ये दवाइयाँ बहुत जरूरी है। दोस्त के साथ साथ आपने भी डॉक्टरी शुरू कर दी है क्या? नहीं, इंजीनियरिंग छोड़कर डॉक्टरी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, किसी के शादी का बंदोबस्त करवा सकता हूँ। ठीक कहा आपने, ये काम आपको कर देना चाहिए। सच पूछिए तो मैं और नहीं सह सकती, पूरी रात मुझे सोने नहीं देती, सिर्फ सूरज सूरज एक ही नाम जपती है। छी 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 छी। इसमें छी छी की क्या बात है, मैंने तो ठीक ही कहा। तुम जब बोल रही हो तो जरूर करूँगा। इंजीनियर साहब, आप ना बहुत अच्छे इंसान हैं। धन्यवाद। इसके बाद लेकिन तुम्हारी बारी है। अब बहुत बुरे हैं। क्या रे, अब तुझे बुरे लगने लगे? ये किसका खत है? ओ, सूरज का। ओ, क्या लिखा है? वो दवाइयाँ खरीद कर जल्दी भिजवाने के लिए लिख रहा है।
और क्या लिखा है? वो गांव में बहुत बीमारी फैली हुई है, पूरा दिन बस मरीजों को ही देख रहा है। और क्या लिखा है? लिखा है, मुझे छोड़कर वो अकेला नहीं रह पा रहा, पूरा दिन मेरी बातें उसे याद आ रही है। और हाँ, तुम्हारे बारे में भी लिखा है, पूछ रहा है तुम कैसी हो। पता है झूठ है, पर फिर भी विश्वास करना चाहती हूँ। अरे अरे अरे, अरे क्या कर रही हैं आप? सुबह से मैंने धूप में बैठ के इतनी मेहनत से इन मछलियों को पकड़ा और आपने इन्हें ऐसे छोड़ दिया। अच्छा किया, और मैंने जो इतनी तकलीफ करके भोला को भेजा, अब आए क्यों नहीं? मुझे काम था। ऐसा कौन सा काम करते हैं आप? यही घूमता फिरता हूँ इधर उधर बस, पर किसी का नुकसान नहीं करता बल्कि दूसरों की मदद करता हूँ। तो इसीलिए आप में इतना घमंड है कि अगर कोई आपकी मदद करे तो आप उसका शुक्रिया अदा करना भी जरूरी नहीं समझते? हाँ, आप ठीक ही कह रही हैं। वैसे मैं उनको शुक्रिया नहीं कहता जो दूसरों को शुक्रिया नहीं कहते। ओह, समझ गई। उस दिन स्टेशन से आपसे बिना कुछ कहे मैं चली आई, इसीलिए नाराज हो गया। नहीं नहीं, नाराज क्यों होऊंगा, और इसमें नाराज होने की क्या बात है? क्योंकि मुझे पता है कि रास्ते में अगर अचानक से कोई मिल जाए वो होता है कुछ देर का मेहमान। समझ गई, नाराजगी नहीं दिल लगी। मैं अंदर आऊं? अरे देखो देखो कौन आया है, आओ बेटी। माँ लक्ष्मी आज खुद चलकर आई है। तुम कभी इस गरीब के घर पांव रखोगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। छी छी, आप ये क्या कह रहे हैं? चाची की तबीयत ज्यादा खराब हो गई सुन के उन्हें देखने चली आई, इसमें हैरान होने की क्या बात है? कैसी तबीयत है चाची? शंकर चाचा, हाँ? ये दवाइयाँ इनको जल्दी से ला के खिला दीजिए। हाँ। आप डॉक्टर हैं? ये सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, ये एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्हें देखते ही मरीज की आधी बीमारी गायब हो जाती है। जादू की तरह काम करती है इनकी दवाइयाँ। असल में आप मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, इसीलिए आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। चलता हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। आदाब। इधर बैठो, आराम से बैठो, और अब मुझे प्यार से देखने दो जरा जाने मन। आंखें बहुत खूबसूरत हैं। नाक भी खूबसूरत है। जी बाहर निकालो। बीमार तो मैं नहीं, मेरा भाई है। अरे एक ही बात है, समझ रही हूँ ना, भाई अगर बीमार हो तो बहन का भी इलाज हो सकता है। उम्र कितनी है? 4। अरे तुम्हारे भाई की नहीं, तुम्हारी पूछ रहा हूँ, तुम्हारी। 16। 16, 1 और 6, 16। सारी रात गोद में बिठा के झूलेंगे। कालीचरण बाबू, झूलेंगे झूलेंगे। कालीचरण बाबू, ओ कालीचरण बाबू। कालीचरण बाबू, तुमको लेके कहाँ जाऊँ टुटुरी? इधर जाता हूँ, इधर 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 छुप जाता हूँ इसके नीचे। इसको कैसे बिछाओ? कहाँ जाऊँ? इधर छुप, इधर छुप जाता हूँ, इधर छुप जाता हूँ। नहीं इधर नहीं, इधर 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 यहाँ पे। कालीचरण बाबू सर, अब आगे सर, आगे। ये आपके पीछे कौन है? कोई नहीं सर, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं मतलब? सर, 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 बहुत पुरानी कहानी है सर, मोहल्ले की एक चाची को बहुत बुखार है सर। अच्छा, देखूं तो? नहीं सर, आपके देखने से कोई फायदा नहीं सर, आप उस कमरे में जाके आराम कीजिए, तब तक मैं इस चाची को दवाई और इंजेक्शन देके घर भेज देता हूँ सर। आप कौन सी दवाई देंगे, हटिए सामने से। सर, सर मत जाइए सर,
नहीं सर, सर मत जाइए। दादी माँ, अपना हाथ दिखाइए एक बार। सर, एक पराई औरत का हाथ पकड़ के उसका अपमान मत कीजिए सर, पाप चढ़ेगा आपको। चुप रहिए तो, मुझे देखने दीजिए। दादी माँ, एक बार हाथ दिखाइए प्लीज। टुंडुनी, अब तो फंस गए हम, निकाला अपना हाथ। बहुत तेज बुखार है, बहुत तेज, जल्दी से इन्हें एक इंजेक्शन देना पड़ेगा। मुझे इंजेक्शन नहीं लेना, बहुत दर्द होता है। तकलीफ को भूल के एक ले ही ले। मुझे दर्द होगा। अब कैसा दर्द, ऐसा इंजेक्शन मैं दिन भर में 6-7 ले लेता हूँ। एक ले ले, देखना पूरा आराम। हाँ, इंजेक्शन लेने में इतना क्या डरना। हाथ दिखाइए। लीजिए इस हाथ में। सर, मुझे लग रहा है आप गलत कर रहे हैं सर। नहीं, सही हाथ में लगा रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हाँ, ठीक ही कह रहा हूँ। सोच रहा था जब अपना ही कोई आदमी है तब क्यों किसी बाहर वाले को इंजेक्शन लगाऊं। सर, सर, समझ गया सर, मैं पकड़ा गया। समझ में आ गया मतलब? जी सर, माफ कर दीजिए ना। नहीं सर, कसम खाता हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा सर। नहीं सर, एक बार तो भगवान ही माफ कर देता है सर, पर क्या आप माफ नहीं करेंगे? मैंने कहा ना नहीं। लेकिन इसलिए इतनी मोटी सुई। इतनी मोटी, यही वाला इंजेक्शन दूंगा। असल में तो ये घोड़े की सुई है, मैं बर्दाश्त करूंगा कैसे। बीमारी भी तो घोड़े जैसे ही है कंपाउंडर बाबू, इसीलिए ये मोटी सुई ही लगेगी। कालू, एक कप चाय लेकर आना। तो भगवान, अरे क्या हुआ कालीचरण बाबू? सर पे आइस बैग और हाथ में नमक की थैली, क्या बात है? बुखार सर, 106 डिग्री बुखार है, इसलिए सर पे आइस बैग रख के बुखार उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, उतर नहीं रहा है सर। सर, वो हाथ साहब को याद नहीं सर? मेरे हाथ में घोड़े की सुई लगा के हाथ को बेकार कर दिया है सर, हाथ फूल के ढोल हो गया है सर। खुद के पैसे से नमक खरीद के उसी नमक से सेक रहा हूँ सर। आप तो बड़े मजाकिया आदमी हो। ये तो कहेंगे ही सर। शादी नहीं हुई? आपके रहते हुए मेरी किस्मत में शादी। अरे चाय दे के जा, देर मत कर। आप भी कभी कभी अच्छा मजाक कर लेते हैं, है ना कालीचरण बाबू? अरे क्या हुआ, चाय दे कालू। हाँ, ए थोड़ी हवा कर तो। वैसे मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपका दर्द बढ़ गया क्या? नहीं नहीं, कोई दर्द नहीं है, मेरा बुखार भी उतर गया है। ओ अच्छा, ऐसा बोलिए। वैसे आपके पिताजी का नाम क्या कहा था आपने? भूतनाथ। मैं भूल गया था एकदम। अच्छा, इस गांव के जो जमींदार है वो कैसे इंसान है? हे भगवान, ये मुझे कौन सी आफत में डाला है? हाँ, क्या कह रहे थे? नहीं नहीं, उस जमींदार बाबू की ही बात हो रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बहुत भले इंसान है। अच्छा, ऐसा है क्या? और उनकी बेटी क्या हुआ, कुछ कह नहीं रहे? उनकी बेटी तो हाँ, उनकी बेटी क्या क्या हुआ बताइए। नहीं नहीं सर। क्या नहीं, क्या कह रहे थे आप? अरे बाबा, जमींदार की बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छी है सर, बहुत अच्छी है। अरे बाबा, वो तो समझा, अच्छी लड़की है समझा, लेकिन कितनी अच्छी? बहुत अच्छी है। मैं जानना चाहता था देखने में कैसे है। दिखने में बहुत खूबसूरत, हिरन की जैसी आंखें। अच्छा, और नाक? नाक, नाक जैसा नहीं, बहुत खूबसूरत सर। अच्छा, और बाल? बाल काली घटाओं जैसे। वाह वाह वाह, और हंसी? हंसी ये तो मुझे देखना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं बता नहीं सकता, इससे पहले मैं कुछ अनाप शनाक बक दूं, आप खुद पीछे मुड़ के देख लीजिए सर। आप
मतलब कब आई आप? मैं बहुत देर पहले ही आई। आते आपके हाथ में चाय दी, उसके बाद आपके हुक्म के मुताबिक इतनी देर आपको हवा कर रही थी। नहीं नहीं, ये आपने ठीक नहीं किया। कोई देख लेता तो क्या कहता? क्या कहता? पेशेंट डॉक्टर के पास आए, इसमें क्या गलत है? आप पेशेंट हैं? तो फिर क्या हुआ आपको? हाँ, वाह जी, आप तो खुद इतने बड़े डॉक्टर हैं कि पेशेंट देखते ही उसकी बीमारी समझ जाते हैं। तो फिर आप ही बताइए ना कि मुझे क्या हुआ है, दीजिए ना मुझे भी एक दवाई। डॉक्टर साहब। हाँ? वो कोई नहीं है, लगता है कोई पेशेंट आया है। आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी आया। डॉक्टर साहब। अरे विमल चाचा, आप इस वक्त? डॉक्टर साहब, आपके कहे मुताबिक दामाद के घर गया था, बहुत समझाया पर उन लोगों ने मना कर दिया। शादी के समय जो पैसे देने की बात थी वे अब शुक्रवार से पहले ही देने होंगे। क्या कह रहे हैं आप? हाँ डॉक्टर साहब, ना जाने अब मेरी बेटी का क्या होगा। वो लोग कैसे इंसान हैं? कितने रुपए देने की बात हुई थी आपसे? 5,000 रुपया। 5,000? आप ही बताइए इतने सारे रुपए मैं कहाँ से लाऊं। डॉक्टर साहब अब मैं क्या करूं? आप ही बताइए अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? आप रोइए मत विमल चाचा, रोइए मत। रुपयों का इंतजाम मैं करता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं देखता हूँ, जैसे भी हो आपके लिए पैसे का इंतजाम कर दूंगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप इंसान नहीं, भगवान हैं। क्या कर रहे हैं विमल चाचा, क्या कर रहे हैं आप? जाइए जाइए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी देर से अंदर बैठी हुई थी, आपको ख्याल तो है ना? हाँ हाँ, पता है मुझे। क्या सोच रहे थे? वैसी कोई बात नहीं है, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, चलिए। जानते हैं मैं ना इंसान के मन की बात सही सही समझ जाती हूँ। अच्छा, तो फिर बताइए तो मेरे मन में क्या बात है। जैसे आप किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन पैसों का इंतजाम कैसे होगा आप यही सोच रहे हैं, है ना? हाँ, आपने सही कहा। जानते हैं इस हाल में क्या करना चाहिए? किसी ज्ञानी गुणी बड़े आदमी से सलाह लेनी चाहिए, जैसे मैं। अच्छा, अब तो कहिए क्या सलाह देना चाहती हैं? किसी के पास से पैसे उधार ले लीजिए ना। लेकिन यहाँ मुझे इतने सारे पैसे कौन उधार देगा? आप मुझे बहुत भरोसेमंद लगते हैं, इसीलिए पैसे उधार देने वालों की आपको कमी नहीं होगी। आप चाहे तो मैं भी उधार दे सकती हूँ। जाहिर है ब्याज का पैसा थोड़ा ज्यादा होगा। आज मैंने आपको अपने कब्जे में ले लिया। उस दिन याद है रात में स्टेशन में जैसे आपने मुझे अपने कब्जे में ले लिया था? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ये मौका मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मैं किसी से पैसे उधार नहीं लेता। ठीक है, मत लीजिए, आप ही वादा करके वादा नहीं निभा पाएंगे, आपका सर ही नीचा होगा। वो मैं होने नहीं दूंगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो माँ का हार बेच दूंगा। आप तो बहुत आदर्शवादी निकले जनाब, माँ का हार बेचना चाहते हैं? मेरी माँ ने उसे मेरे लिए ही बनाया था। आप हार पहनते हैं क्या? मैं क्यों पहनने जाऊंगा? ओह, इसका मतलब आपकी माँ ने उसे अपने होने वाली बहू के लिए बनाया था। तो कितने रुपए में बेचेंगे? वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जरूरत 6,000 रुपए की है, जिसमें से 5,000 रुपए विमल चाचा को दे दूंगा और 1,000 रुपए की दवाई। कल एक बार आप वो हार मुझे दिखाएंगे? आप खरीदेंगी? अगर पसंद आया तो, और अगर कीमत सही लगी तो खरीद लूंगी। माँ ने उस हार को बहुत प्यार से बनवाया था और उसकी कीमत 6,000 रुपए से कुछ ज्यादा ही होगी। आप चाहे तो परख सकती हैं उसे, आपको नुकसान नहीं होगा। और वैसे भी मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं, वरना। अच्छा बताइए तो, इंसान की मदद करना
उनकी सेवा करना और उनके दुख में शामिल होने के अलावा आपको और कुछ समझ नहीं आता? दूसरों की भलाई के अलावा आपको अपने लिए और कुछ भी नहीं चाहिए? आपको क्या कुछ भी अच्छा नहीं लगता? लगता है। क्या अच्छा लगता है? आप। कल हार लेके आएंगे तो? आऊंगा। ठीक है, तो मैं आपका इंतजार करूंगी। सपने आए तेरे ही कारण, ओ मेरे सागर दिल मेरा गुनगुनाए। फूलों के रंग में रंग गई मैं तो चुप चुप सपने आए तेरे ही कारण, ओ मेरे सागर दिल मेरा गुनगुनाए। सुंदर लग रही है। क्या? आपकी सूरत। आपकी बातें सुनकर मुझे शर्म आ रही है। मैंने कुछ सोच के नहीं कहा है। आइए,
बैठिए। कहाँ है दिखाइए आपका हार। हाँ, ये रहा हार और ये रहा कसौटी पत्थर। ये पत्थर, इस पत्थर से क्या होगा? अच्छे से टेस्ट करके देख लीजिएगा। हंस क्यों रही है? ऐसे ऐसे तो बेवकूफ लोग हंसते हैं। आपका जो मन करे आप मुझे वही बोलेंगे। वाह, कितना सुंदर हार है। देखिए, सुंदर है या नहीं पता नहीं, लेकिन 7,000 में इसे खरीदने के बाद आपको नुकसान नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। अच्छा, इतना सुंदर हार आप सिर्फ 7,000 में बेचेंगे? असली सोना है ना, इसीलिए तो कसौटी पत्थर लाया हूँ। वो तो है, तो फिर मोतियां तो जरूर असली नहीं है, नकली। कहाँ, दिखाइए। देखना क्या है। हाँ, मैंने जो भी बोला है सही बोला है। हाँ तो ठीक है ना, दिखाई ना। हाँ, देखिए ना। इस तरह सर टकराने से क्या होता है पता है? क्या होता है? सही निकलता है। यही आपके लिए सही सबक है। हाँ, यही तो कहेंगे, ये नकली है मुझे पता चल गया है इसीलिए। रहने दीजिए, पैर हटाइए, आपको नकली हार खरीदने की जरूरत नहीं। ऐसा थोड़ी ही होता है, आप इतनी दूर से इसे लेकर आए हैं, चाहे असली हो या नकली हो, हार तो मुझे खरीदना ही होगा। मैंने आपसे मुझ पे मेहरबानी करने के लिए नहीं कहा। पर उस दिन तो कहा था। वो किसी और के लिए, मेरे खुद के लिए नहीं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। ऐसी बड़ी बड़ी बातें आपने कहाँ से सीखी? आपसे सीखी है। हाँ, कैसे? जैसे ये सीट मैंने रिजर्व की है। अच्छा, ये बात है। अच्छा, आप बैठिए, मैं आकर आपको और भी बड़ी बड़ी बातें सिखा दूंगी, ठीक है? बैठिए। ओह, मैनेजर बाबू। हाँ? आप मेरे लिए 7,000 रुपए ले आइए ना। हाँ, लाता हूँ। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहनी थी। बोलिए। चारों तरफ जरा संभल के चलिएगा, हर तरफ अभी चोर डकैत बदमाश। मुझे ऐसी हिदायत देने की हिम्मत और जुर्रत आपकी हुई कैसे? नहीं नहीं, आपको कैसे हिदायत दे सकता हूँ भला। मैं कह रहा था वो एक अनजान अजनबी इंसान अब घर तक चलाया है हार बेचने के लिए, पता नहीं किसका हार है, वो खरीद के आप मुसीबत में ना फंस जाए, यही और क्या। आप इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाइए, चली जाइए मेरी नजरों के सामने से। इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों इतना गुस्सा कर रही हो आप? आपने तो सारी बातें अपने कानों से सुनी है। मैं आज मैनेजर बाबू से साफ साफ कह दूंगी, आपकी बेइज्जती करने वाले इंसान की जगह सिर्फ इस घर में क्यों, पूरे गांव में कहीं नहीं होगी। आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? उनकी कोई गलती नहीं है। देखिए तो, मैंने आज पूरा दिन आपका बर्बाद कर दिया, पता नहीं आज सुबह पता नहीं किसका चेहरा देख के आप उठी थी। उसका चेहरा देखकर ही काश रोज मेरी सुबह हो। अच्छा तो मैं चलूं? आप जरा सा रुकिए, मैं आती हूं। डॉक्टर साहब। हाँ, ओ शंकर चाचा। हाँ, ये सलीना का है, उसे दे दीजिएगा। आप जा रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ, मैं जा रहा हूं। ये लो बेटी। हाँ? ये तुम्हारे लिए है, डॉक्टर साहब दे के गए हैं। वो कहाँ है? वो तो चले गए। चले गए? आज मेरे घर में मेहमान के तौर पर आके तुम्हें इस तरह से बेइज्जत होना पड़ा?
इसके लिए मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, किसी को नहीं। यहां तक कि अपने आप को भी नहीं। खाली शीशी यहां वहां सजा के रखिए, एक भी पेशेंट का आता पता नहीं है। डॉक्टरी करेंगे गांव में आके, इतना आसान है क्या? कौन है? धंधा पानी कैसा चल रहा बता? ऐ तू बहरा है क्या? तेरा नाम क्या है? बड़े भाई, क्या आप इनकम टैक्स के ऑफिस से हैं? मैं कौन हूँ? ऊपर जाने के बाद तुझे पता चलेगा। भगवान, धंधा चौपट ना हो जाए देखना। उस कमरे में है दो अलमारी और कुछ खाली शीशी और दो चेयर, और इस कमरे में है एक टेबल, एक हैरिकेन और एक पानी का जग। बहुत बढ़िया। एक ड्रेसिंग टेबल और एक पलंग, दो तकिए और एक फटी हुई मच्छरदानी। बड़े भाई, ओ बड़े भाई, आप ये सब क्या लिख रहे हैं? घर में क्या क्या है इस डायरी में लिख ले रहा हूँ। चावल कितना केजी है? लिख लीजिए 2 किलो। नहीं, एक भी दाना नहीं है। घर में खाने का चावल भी नहीं? रुक जा, मैं सबको बांध के ले जाऊंगा। बड़े भाई, आप क्या पुलिस वाले हैं? मैं कौन हूँ तुझे बाद में पता चलेगा बच्चू। कीजिए जो मन में आए कीजिए। बड़े भाई, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, पता है यहाँ मुझे एक भी पैसा ऊपरी नहीं मिलता है, अच्छे से खाने को भी नहीं मिलता, क्यों मुझे बांध के ले जाना चाहते हैं? ऐसे डॉक्टर के अंडर काम करता हूँ, 1 महीने से सैलरी भी नहीं मिली, भूखा रह रह के देखिए मेरी क्या हालत हो गई है। गिल लीजिए अच्छी तरह से। खाना नहीं मिलता है? बॉडी तो सलमान खान की जैसी है, मुझसे झूठ बोलता है, बांध के ले जाऊंगा। अरे बाप रे। कालीचरण बाबू। सर, क्या हुआ? मुझे गोद में उठा के लेके भागे, पुलिस इंस्पेक्टर ने हमारे घर पे कब्जा कर लिया है। पुलिस इंस्पेक्टर? मामा, आप? मामा? पुलिस वाले मामा तो नहीं? आपका भाई मामा? यही कुछ देर पहले तुम्हारे दोस्त के कहे मुताबिक तुम कैसे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, तबीयत पानी ठीक है कि नहीं, प्यार मोहब्बत कर रहे हो कि नहीं, सब कुछ मैंने इस डायरी में लिख लिया है। कैसा है वो? वो बहुत अच्छा है। तुम्हारे लिए उसने 5,000 रुपया भेजा है। पैसे? मुझे इस वक्त पैसे की जरूरत थी, ये तुझे कैसे पता चला सलीम? सच में दूर रह के भी लगता है तू मेरे मन की सारी बात जान लेता है। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। ये क्या मामा, अभी आए और अभी चले जाएंगे? हाँ जाना पड़ेगा, अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं, रात की ट्रेन पकड़ के मैं घर लौट जाऊंगा। नहीं नहीं मामा, इससे बेहतर होगा अभी आप खाना खा लीजिए, फिर सुबह चले जाइएगा। खाना खाऊंगा तुम्हारे उस कंपाउंडर के हाथ से? नहीं नहीं, मुझे अब देर हो रही है, मैं ना बादाम चबाते चबाते घर पहुंच जाऊंगा, चलता हूँ। मामा जी आप जा रहे हैं? हाँ जाइए जाइए, दोबारा आइएगा। अगर मैं दोबारा आया तो अच्छा नहीं होगा। अरे बाप रे, भगवान ने बचा लिया। अरे शंकर चाचा, आप? हमारे राजा साहब अचानक बेहोश हो गए हैं, आप तुरंत चलिए। हाँ जरूर, चलिए चलिए। पापा, पापा, आपको क्या हुआ पापा? बात क्यों नहीं कर रहे? देखिए, मैं आपकी बेटी सलीना। राजा साहब। पापा उठिए पापा, आप मुझे पहचान नहीं रहे। राजा साहब। पापा रुकिए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे तो पेशेंट की हालत और खराब हो जाएगी। आप लोग सब जाइए रूम से, राजा साहब को अकेला छोड़ दीजिए, कृपया करके आप लोग जाइए सब। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए। डॉक्टर, डरने की बात नहीं है, सिर्फ बेहोश हुए हैं, आप एक काम कीजिए, गर्म पानी लेकर आइए।
तब तक मैं उन्हें एक इंजेक्शन दे देता हूँ। पापा, अब कैसा लग रहा है पापा? ये डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर है पापा, देखिएगा आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाइएगा। अब आप थोड़ा आराम कीजिए। वो ठीक हो जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कल शाम तक आपके पापा ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर, आपको भरोसा नहीं हो रहा मुझ पे? आप पर भरोसा नहीं करूंगी। आपके चेहरे पे थोड़ी हंसी देखना चाहता हूँ। दिखाइए दिखाइए। क्या? हाँ, नाक में पसीना। खुशकिस्मत हो आप। कैसे? मेरी दादी जी कहती थी, जिन लोगों के नाक पे पसीना आता है वो सब अपने पति से बहुत प्यार करती है। अच्छा, तो मैं चलूं? सुनिए, कह रही थी कि आज की रात अगर आप पापा के पास रह जाते तो। मेरे रहने की क्या जरूरत, आप तो हैं। मेरे साथ ना हो तो एक रात जाकर गुजार लीजिए। अगर आप कहें सिर्फ एक रात, क्यों? जिंदगी में आने वाली हर रात को मैं बिना सोए गुजार सकता हूं। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने झूठ बोलना नहीं सीखा, जरूरत पड़े तो परख लीजिएगा। लीजिए नहीं, बोलिए लो। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए नहीं, चलो। चलो। मैं क्या चला जाऊं? ओह हाँ, आपको रात में जगने की कोई जरूरत नहीं। आप एक काम करिए, आप इसे ले जाइए, ले जाइए। चलो। हाँ, जाने को तो बोलेंगे, मेरे रहने से तो दिक्कत होगी, खाली पीली मुझे। अरे क्यों जाएंगे, यहीं रहिए, दोनों भाई मिलकर पूरी रात पिएंगे और गप्पे लड़ाएंगे। चलिए चलिए, नहीं बोलो चलो। कप चाय ले आओ। नहीं। सलीना, मेरे लिए इतनी रात को चाय बनाने के बदले थोड़ा रूम में जाके सो लीजिए, इससे मुझे ज्यादा खुशी होगी। नींद से तो आंखें बंद हो जा रही है। वाह जी, आप यहाँ बैठकर पूरी रात अकेले जागेंगे और मैं वहाँ जाकर आराम से सो जाऊं? मेरे बारे में आप ऐसा सोचते हैं? तो फिर यहीं पे कहीं जगह देके सो जाइए। यहाँ मैं कहाँ सोऊंगी? वो भी है। ओहो, अगर वो स्टेशन की दादी जी होती तब वो जरूर एक अच्छी सी सुंदर सी सोने की जगह दिखा देती। सच में उस रात की बात मैं कभी नहीं भूलूंगी और उस बूढ़ी औरत को भी नहीं भूल पाऊंगी। ओह, क्या क्या कर रही थी ना वो, आज भी याद करती हूँ तो शर्म से मरी जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है सलीना, जीवन में अगर इन बातों को भूल जाए तो बेहतर होगा। ये बात क्या आप अपने दिल से कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको अभी तक समझ नहीं पाई हूँ। समझने की कभी कोशिश की हो? कोशिश तो की, नहीं कर पाई, इसीलिए आज मैं चाहती हूँ कि आप मुझे समझाएं, और आपसे ही चाहती हूँ जानना
जो जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या जानना चाहती हो तुम? कहना क्या चाहती हो? आज मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। कह रही थी कि आप क्या सच में मुझे, मतलब मुझे पता है तुम कह नहीं पाओगी। हिंदुस्तानी लड़कियों का इस बारे में दिल में जितना भी दर्द हो लेकिन कहती कुछ नहीं। वैसे आज जो तुम जानना चाहती हो उसे मैंने इतने दिनों से मैं अपने दिल में छुपा के रखा था। किसी को पता नहीं चलने दिया, किसी को समझने नहीं दिया। लेकिन क्यों सलीना, मैंने क्या गलती की है? ऐसा क्या अपराध कर दिया मैंने? मैं भी तो एक इंसान हूं, मेरे भी सब्र की एक सीमा है। लेकिन आज जरूर कहूंगा, आज जो तुम जानना चाहती हो, हां सलीना वो सच है। हां मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करता हूं, दिलो जान से प्यार करता हूं सलीना। सलीना कौन है? पापा क्या कर रहे हैं? उठिए मत राजा साहब, गिर जाइएगा। अरे अरे आप उठिए मत। ये क्या, छोड़ दीजिए उन्हें, मैं कह रहा हूं ना छोड़ दीजिए उन्हें, हट जाइए वहां से, हट जाइए। छड़ी उनके हाथ में दीजिए। आप बिना डरे मेरे पास चल के आइए। डॉक्टर मैं कह रहा हूं ना आपको कुछ नहीं होगा, आप चल सकते हैं। मैं चल पाऊंगा? हाँ जरूर चल पाएंगे। राजा बाबू आपको कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हैं। डरने की बात नहीं है, आइए आइए चल के आइए। मैं डॉक्टर हूं और मैं कह रहा हूं आप चल पाएंगे। आइए आइए, कह रहा हूं ना, आइए 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 आइए। ये हुई ना। मैं ठीक हो गया डॉक्टर, मैं ठीक हो गया, मैं चल पा रहा हूं डॉक्टर। तुम जादूगर हो डॉक्टर, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुमने आज जो कुछ भी किया, सिर्फ मैं ही नहीं पूरा चौधरी वंश तुम्हारा कर्जदार रहेगा। तुमने आज मेरा दिल जीत लिया डॉक्टर। मेरा दिल कर रहा है तुम्हारे लिए कुछ करूं। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं डॉक्टर, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम मांग सकते हो। हाँ मैं कह रहा हूं, मैं वादा करता हूं, आज तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। तुम खामोश क्यों खड़े हो डॉक्टर, कुछ बोलो, कुछ मांगो। आज तो तुम्हें कुछ मांगना ही पड़ेगा, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। आज अगर तुम खाली हाथ चले गए तो मुझे बहुत तकलीफ होगी डॉक्टर। ठीक है, जब वक्त आएगा तब जरूर मांगूंगा, आज चलता हूं। डॉक्टर तुम सच में महान हो, तुम सच में महान हो डॉक्टर, सच में महान। तुम दूसरों के जैसे नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। कह रही थी कल जब पापा ने सबके सामने खुद चलकर आपसे कुछ मांगने को कहा तो आपने मांगा क्यों नहीं? लगता है आपको कुछ नहीं चाहिए। चाहिए लेकिन मांगा नहीं। क्यों? देते नहीं इसीलिए। वादा करके नहीं देते मेरे पापा? लगता है अभी तक आपने मेरे पापा को अच्छी तरह से नहीं पहचाना। अपना वादा निभाने के लिए राम जी की तरह वनवास भी जा सकते हैं। आप ना भी जानते हो लेकिन गाँव के सारे लोग जानते हैं। अच्छा? हाँ पापा ने जब कहा था कि देंगे तो आप अगर मांगते पापा सारी जमींदारी ही आपको दे देते।
जमींदारी भी? सिर्फ जमींदारी ही नहीं, चाहते तो घर बार धन दौलत संपत्ति सब कुछ दे देते। सब दे देते? जब वादा किया था उन्होंने, आप जो चाहते वही मिल जाता। मेरी जात, मेरा कुल, धर्म बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद। तुम मुझे बचाओ सूरज, मुझे बचाओ। राजा बाबू, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ सूरज, मना मत करना। तुमने अगर मना कर दिया तो खुदकुशी के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। कहिए, अब क्या चाहते हैं? सलीना को भीख में दे दो। हा? उसे तुम भूल जाओ, उसकी जिंदगी से तुम दूर हो जाओ। क्या आपने एक बार भी सोच के देखा है सेलिना को भूल जाने के बाद मेरे जीवन में क्या बचेगा? सेलिना को भूलने के बाद मैं कैसे जिंदा रहूंगा? उसके जिंदगी से चले जाने से मुझे कहां जाके शांति मिलेगी? मैं सब जानता हूं, सब समझता हूं सूरज, लेकिन मैं मजबूर हूं। फिर भी एक बार सोच के देखिए राजा साहब, ये सिर्फ मेरी नहीं सेलिना की जिंदगी की भी बात है, क्योंकि हम दोनों कोई भी कहीं भी किसी हाल में क्यों ना रहे, हम में से कोई भी एक दूसरे के बिना खुश नहीं रह पाएगा। राजा साहब कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। सूरज, सब कुछ जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक मतलबी और जुल्मी बाप हूं। सब कुछ जानने के बाद भी छीन ली मैंने अपनी ही बेटी की सुख शांति सब सब। मेरी सुख शांति के बदले अगर आपकी सुख शांति लौट आती है, मेरी आंखों के आंसुओं के बदले अगर आपकी मान मर्यादा बच जाती है, तब मैं जरूर दूंगा। आप जो चाहेंगे मैं सब दूंगा। जब आप एक बाप के अधिकार से मांगने आए हैं, जब आप बाप होके अपने बेटे को दिया हुआ वादा निभा नहीं पा रहे हैं, आज बेटा अपने बाप को खाली हाथ नहीं लौटने देगा, वो अपना सब कुछ लुटा देगा। सूरज सेलिना की जिंदगी से चला जाएगा, जिंदगी भर उसे प्यार करेगा बहुत दूर से। आज मैं आपसे एक वादा करता हूं, कल सूरज निकलने से पहले मैं ये गांव छोड़ के चला जाऊंगा, और आज के बाद कोई भी मुझे इस गांव में देख नहीं पाएगा, कोई नहीं देख पाएगा, कोई नहीं देख पाएगा। सुना है कि सुहाग रात इंसान के जीवन की सबसे खूबसूरत रात होती है। कभी सोचा भी नहीं था कि ये रात मेरी जिंदगी में इस तरह से आएगी। दो दिन पहले तक तो मुझे पहचानती नहीं थी, मैं भी तुम्हें नहीं जानता था, लेकिन आज हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के जीवन साथी हैं, सुख दुख के बराबर के हिस्सेदार। इसलिए आज दिल बहुत कर रहा है कि अपने जीवन साथी को मैं जी भर के देखूं। ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू?
तुम रो रही हो? घर की याद आ गई क्या? नहीं। तो फिर आपकी इस खुशी की रात में आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख पहुंचेगा, इसीलिए। दुख पहुंचेगा? क्यों? क्योंकि मैं जो आपसे कहूंगी, इस दुनिया की किसी पत्नी ने सुहाग रात में अपने पति से ये बात नहीं कही होगी। कैसी बात? मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या कहा? मैं किसी से प्यार करती हूँ। शादी की पहली रात में अल्लाह को साक्षी मानकर जिससे शादी की? हाँ, नहीं तो आपके साथ धोखा हो जाता, आपके साथ फरेब हो जाता, नहीं तो मुझसे पाप हो जाता। तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी, दे पाएंगे तो आपके और मेरे पापा। ये क्या हो गया? ये मुझे किस पाप की सजा मिली? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई? ये मेरी सहन शक्ति के बाहर है। अल्लाह, आप मुझे बर्दाश्त करने की शक्ति दीजिए। आप मुझे बर्दाश्त करने की शक्ति दीजिए अल्लाह। मैं आपकी गुनहगार हूं। आपकी सबसे बड़ी खुशी के दिन में मैंने आपको सबसे बड़ा दुख दिया। आप मुझे सजा दीजिए। आप मुझे जो सजा दीजिएगा मुझे वो मंजूर होगी। रात बहुत हो गई है सलीना, तुम अभी सोने जाओ। अच्छा बेटा सलीम, आज ही मुझे गांव वापस जाना पड़ेगा बेटा, और तो मैं यहां पे रह नहीं सकता। ठीक है, जाइए। लेकिन तुम कहां जा रहे हो? बाहर। क्यों? सुकून की तलाश में। बहू भी जा रही हो तो? नहीं। नहीं मतलब? कल ही तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम बहू को अकेला छोड़कर बाहर जा रहे हो? सुना है कल सुहागरात भी तुमने अकेले यहीं गुजारी है। मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, क्या हुआ है आखिर? मुझे खुल के सब बोल। आपको बोलकर क्या होगा अब्बा, सुनकर आपको तकलीफ ही होगी। मेरी किस्मत में जो लिखा है वो तो आप बदल नहीं सकते हैं। मेरे भाग्य में जो था वही हुआ है मेरे साथ और वही होगा, इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। मैं किसी को दुख देना नहीं चाहता। मेरा दुख मेरे पास ही रहने दीजिए, चलता हूं। सुनो, मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, अगर चाहो तो अब्बा के साथ हमारा गांव घूमकर आ सकती हो, और अगर ना हो तो अपने गांव जाकर भी रह सकती हो। चलता हूं।
तुम? और ये क्या हाल बना रखा है? गांव में मलेरिया वगैरह हुआ था क्या? नहीं, सलीम कहाँ है मामा? सलीम तो नहीं है, 2-3 दिन के लिए बाहर गया है। रुको, मैं उसकी वाइफ को बुलाता हूँ। वाइफ? सलीम ने शादी कर ली? हाँ हाँ, अचानक शादी हो गई। तुम्हारा तो कोई आता पता ही नहीं था, सारे लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे, न शहर में थे न गांव में। तुम्हारा दोस्त तो कह रहा था तुम्हारे बिना वो शादी ही नहीं करेगा। अच्छा मामा, अब मैं चलता हूँ, सलीम आएगा तो मैं फिर आऊंगा। पागल हूँ? एक बार जब तुम मेरे हाथ लगे हो, अगर मैंने तुम्हें छोड़ा तो सलीम मुझे मार डालेगा। तुम थोड़ा बैठो, मैं बहू रानी को बुला के लाता हूँ। बहू रानी? हाँ? मामा, तुम्हें एक बार नीचे आना पड़ेगा, सलीम का एक दोस्त आया है, थोड़ा उससे आके मिल लो, वरना सलीम को बहुत बुरा लगेगा। वो लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत गहरी दोस्ती है दोनों में। इस घर में वो 7 साल था, इस घर का ही सदस्य है। सलीम नहीं है ये सुनकर वो चला जा रहा था, तुम उसे रहने के लिए बोलो। अच्छा चलिए। आखिर वो पागल गया कहाँ? रुकिए भैया। सूरज जी, आप यहाँ? ये क्या हाल बना रखा है? आप यहाँ इस तरह होटल में खाना खा रहे हैं, फिर भी आपको एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? नहीं, मतलब बहुत भूख लगी थी इसीलिए। देखिए, आप क्या यहाँ इतने लोगों के सामने मुझे रुलाना चाहते हैं? चलिए। मुझे नहीं पता कि आपको क्या हुआ है, और पूछूंगी भी तो आप नहीं बताओगे कि आपके साथ क्या हुआ है। फिर भी चाहे जो भी हो, आप इस तरह खुद को तकलीफ देंगे? अंजलि, अंजलि, इंसान जो चाहता है वो उसे मिलता नहीं, और जो मिलता है वो उसे नहीं चाहता। और इसलिए आप बर्बाद कर देना चाहते हैं अपनी इतनी अच्छी जिंदगी और अपना ब्राइट फ्यूचर? मैं जानता हूँ मेरी यह हालत देख के तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, इसीलिए सोचा था तुम्हें बिना बताए देश छोड़ के चला जाऊंगा। कहाँ? पता नहीं, पर कोई दूसरी जगह, बहुत दूर। दूर जाने से आपको सुकून मिलेगा? कहीं और जाने से आप अपना सारा दुख भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आप चाहे कहीं भी चले जाइए, सुख दुख हमेशा लगा ही रहेगा। फिर भी मुझे जाना होगा अंजलि, यहां रह के मैं जी नहीं पाऊंगा। यहीं रहकर आप जी पाएंगे, अपने सारे गमों को भूल पाएंगे, सारी जिंदगी दूसरों की सेवा करने में, करीब लोगों का इलाज करके गुजारेंगे। यही तो आपके जीवन का मकसद था ना, और इसीलिए आप डॉक्टर बने थे। आप मुझसे वादा कीजिए, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। बोलिए बोलिए ना, आप यहीं रहेंगे? मैंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, और मांगूंगी भी नहीं। जिंदगी में मैं तुम्हें कभी कुछ दे तो नहीं पाया, लेकिन मेरे एक वादा करने से अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं वादा करता हूं कभी भी इस देश को छोड़ के नहीं जाऊंगा। आज एक बात मुझे बार बार याद आ रही है, तुम्हें मैंने इतनी दुखद तकलीफ दी है इसलिए शायद
आज जीवन में मुझे इतनी तकलीफें मिल रही हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। रुके, आपने ये सोचा कैसे कि आपको मैं इस हाल में कहीं जाने दूंगी? आप जाना चाहे तो भी मैं आपको नहीं जाने दूंगी। क्या हुआ? दरवाजा खोल। अरे दरवाजा खोल। दरवाजा खोलना। खोल दरवाजा। खोलना। ये है माँ दुर्गा। तुम्हारी सहेली कहाँ है? क्यों? ऊपर से पूछ रही हो क्यों? ये कुछ नहीं जानती। ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ मनमानी नहीं चलेगी। रात भर पराए मर्द के साथ गाना बजाना ये सब नहीं चलेगा। मेरे घर में ये सब रंग ढंग ये बेहयाई नहीं चलेगी। अबे तू खाली बिली काय को बकबक कर रहा है? हाँ, वो चिकना किधर है? बुला उसको। क्या हुआ? यहाँ आकर इतनी चिल्ला चिल्ली क्यों कर रहे हो? सिर्फ चिल्ला चिल्ली नहीं, अभी पंचायत बैठेगी, तुम्हारा फैसला करके सबके सामने सजा दूंगा। रात भर गाना बजाना निकाल दूंगा साला। इस मोहल्ले में
ये सब नहीं चलेगा। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए आप लोग गलत समझ रहे हैं। बेकार में एक अच्छे आदमी का आप लोग अपमान कर रहे हैं। आप लोग इन्हें पहचानने में गलती कर रहे हैं। ये मेरे भैया हैं। शाबाश शाबाश। अब भाई तो समझा, मगर कैसा भाई? माँ की तरफ से ना बाप की तरफ से? तुम्हारा तो वो भैया है, लेकिन तुम्हारी दोस्त का क्या है? ये सब नाटक छोड़ो, ये दिन में भैया रात में सैया का इतिहास मैंने बहुत देखा है। अरे चुप रह, बात मत बढ़ा, बातों से नहीं मानने वाले। रुके, बहुत अपमान कर लिया आप लोगों ने, लेकिन और नहीं, जो कहना है मुझे कहिए, मैं आ रहा हूँ। रुके, आप कहीं नहीं जाएंगे। जाएगा नहीं मतलब? मतलब ये यही रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ये बीमार है। बीमार है? बीमार है तो उससे तुम्हें क्या? हाँ, तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों है? ये चिकना चला जाएगा तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी ना। हाँ, मुझे बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि ये मेरे पति हैं। ये लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए। आज मेरी वजह से तुमको कितना अपमान और कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी। कोई बात नहीं, कम से कम मैं आपको रोक तो पाई। मुझसे आपको कोई नहीं छीन पाया। आने में बहुत देर हो गई। जानते हो कल सूरज आया था, तुम नहीं हो सुनकर वापस चला गया। सूरज आया था? हाँ। आपने उसे जाने क्यों दिया? कमाल करते हो, मैं क्यों जाने दूंगा उसे? मैंने तो उसे बैठने के लिए कहा, बहुराने को बुलाने गया तब तक वो चला गया। सलीना यहीं पे है, अब्बा के साथ गई नहीं? नहीं, ऊपर के कमरे में, कह रही थी तबीयत खराब है। मैंने कहा डॉक्टर बुलाऊं, लेकिन उसने कुछ कहा ही नहीं। अरे ये रहा हमारा डॉक्टर, आओ जाओ सब संभालो। आखिर मेरी याद आ ही गई तुझे। क्या कह रहा है तू, मैं तुझे भूल जाऊंगा? ऐसा नहीं है तो तूने एक बार भी मेरी खबर क्यों नहीं ली, जब तेरी जरूरत मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा थी? उसी वक्त तेरा मुझे साथ नहीं मिला। मुझे माफ कर दे। माफ तुझे करूं? तेरे जैसे इंसान को? तो फिर दे दे, तुझे जो सजा देनी है दे दे। हाँ दूंगा, तुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं तुझे सजा। मामा मामा। हाँ बोलो। इसका कमरा साफ करवा दीजिए। तो कमरा तो साफ ही है डॉक्टर साहब, सिर्फ ताला खुलने की देरी है। चलो मामा आप चलिए, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है। क्या हुआ है तुझे बता दो, कहाँ था इतने दिन? सूरज, इन कुछ दिनों मैंने हर जगह बस तुझे ही ढूंढा है। मैंने पागलों की तरह तुझे ढूंढा है। सूरज तू वादा कर मुझसे, तू कहीं छोड़ के नहीं जाएगा मुझे? मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा? सलीम 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 सुन, सलीना। हाँ, ये क्या आप? मैंने सुना कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। मामा बोल रहे थे डॉक्टर को दिखाने, डॉक्टर को दिखाया नहीं तुमने? कहा नहीं तो कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा ही नहीं कि तुम अब्बा के साथ ना जाकर यहाँ अकेले रहकर दुख सहोगी। नहीं, मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं हुई, मैं अपनी मर्जी से ही यहाँ रुकी थी। सिर्फ अपनी मर्जी से यहाँ रहना क्यों? इस घर की हर चीज पे तुम्हारा अधिकार है, लेना नहीं लेना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और मैं जो कर रहा हूं तुम्हारी मर्जी के हिसाब से कर रहा हूं, ऐसा मेरा मानना है। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मुझे बता देना। ओ हां, और एक बात, मैं जानता हूं कि मेरी वजह से तुम्हारे जीवन में सुख शांति खत्म हो चुकी है। मेरी वजह से अगर तुम्हारे जीवन में सुख शांति वापस आ सके, बेझिझक बोलना। मेरी बस की बात हो या ना हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे तुम्हारे जीवन में फिर से सुख शांति वापस आ जाए।
तुझे, चलते चलते देखा तुझे, देखी तेरी दो आँखें, भूलूंगा मैं कैसे भला अपनी मुलाकातें, आँखों आँखों से हो पहचान, धीरे धीरे हौले हौले बन जाओ तुम मेरी जान, आँखों आँखों से हो पहचान। चांदनी रातों में ओ सनम, चांदनी रातों में ओ सनम, हम तुम जब जब मिले, बाहों में गगन तले तब तब फूल खिले, आँखों आँखों से हो पहचान, धीरे धीरे हौले हौले बन जाओ तुम मेरी जान, आँखों आँखों से हो पहचान, आँखों आँखों से हो पहचान, आँखों आँखों से हो पहचान, आँखों आँखों से हो पहचान। तुम सलीना? मैं सलीना नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम सलीम की बीवी नहीं हो सकती, तुम किसी भी हाल में सलीम की बीवी नहीं हो सकती, किसी भी हाल में नहीं। सलीना, तुम्हारे साथ इस तरह मुलाकात होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सलीम, सलीम मेरा जान से भी प्यारा दोस्त है, और इसलिए आज आज मैं इस घर से चला जाऊंगा, ताकि मेरी वजह से तुम दोनों की जिंदगी में कभी मुसीबत ना आए, मेरी वजह से तुम दोनों की जिंदगी ना बर्बाद हो जाए। सूरज, तुम्हें क्या इतना ही मुझसे कहना था? मुझसे क्या एक बार भी नहीं पूछोगे कि मैं इतने दिन तक किस तरह जी रही थी, किस तरह से अपने दिन गुजार रही थी? तुम्हें क्या एक बार भी जानने का दिल नहीं करता मैं खुश हूँ या नहीं? सलीना, आज तुम्हें जो सुनना था, जो कहना था, सब खत्म हो गया है। तुम मेरे सलीम की बीवी हो, सलीम को प्यार करो, सलीम को खुश रखो, बस। इसके अलावा मुझे मुझे और कुछ नहीं कहना है। सलीना, खुशी हमें से किसी के नसीब में नहीं है सूरज, ना तुम्हारे, ना मेरे, और ना सलीम के। नहीं, ऐसी बात मत करो सलीना। सलीम को प्यार करना आज तुम्हारा कर्तव्य है, उसे खुश रखना ये तुम्हारा धर्म है। तुम नहीं जानते सूरज, सलीम कभी खुश नहीं रह पाएगा, वो सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता है मैं किसी से प्यार करती हूँ। सलीना। हाँ सूरज, मैंने सलीम से पहली रात ही कह दिया था, मैंने जिसे अपने तन मन से चाहा था वो मुझे नहीं मिला। ये तुमने क्या किया सलीना, क्यों तुम उसे बताने गई? सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं किसी से सच्चाई नहीं छुपाना चाहती थी, और चाहूंगी भी क्यों?
आज भी मैं अपने पिछले जिंदगी की यादें एक पल के लिए भी अपने मन से भुला नहीं पाई और कभी भूलूंगी भी नहीं। हाँ, भुला पाओगी, भुलाना होगा तुम्हें सलीना, तुम्हें अपने मन से मिटा देना होगा मेरी सब यादें, सिर्फ मेरे लिए तुम्हें प्यार करना होगा सलीम को, खुशियां देनी होगी सलीम को। मैं भी सलीम से कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा, तुमने जब उसे सब कुछ बता ही दिया है कि तुम किसी से प्यार करती थी, तो फिर मैं भी उससे कह दूंगा कि तुम किससे प्यार करती थी। सलीम दिलदार है, सलीम महान है, जिंदगी में सलीम की तुलना तुम किसी से नहीं कर सकती सलीना, किसी से भी तुलना नहीं कर सकती। मैं जानता हूं सलीम हम दोनों को ही माफ कर देगा और तुम्हें देगा पति का प्यार और मुझे देगा एक दोस्त का प्यार सलीना। सलीम आ बैठ, ऑफिस जाने की जल्दी है तो इसलिए तेरे बिना ही खाने बैठ गया। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है तुझे क्या बात करनी है। नहीं, तुझे नहीं पता। मैं जानता हूं। मैं कह रहा हूं ना, तू नहीं जानता सलीम। सूरज, तू कहता था ना कि तेरी शक्ल देखकर तेरी मन की बात समझ लेता हूं। आओ सलीना, बैठो। तुमसे मिलवा दूं, मेरा दोस्त सूरज। सूरज, मेरी वाइफ सलीना। तू तो शायद पहचानता है, तेरे गांव के जमींदार की बेटी। क्या बात है, तुम दोनों ऐसे चुप क्यों हो? सुन, मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे पास कुछ भी सुनने का वक्त नहीं है अभी, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे निकलना पड़ेगा। सलीम, मेरी बात सुन। सलीम सुन। सलीम को जरूर पता चल गया है कि तुम उसे क्या कहना चाहते हो, इसीलिए वो अनसुना करके चला गया। तुम जो चाहते हो वो नहीं हो सकता सूरज, नहीं हो सकता। ये सब तुम्हारा करना बेकार है। नहीं सलीना, नहीं नहीं। मेरा मन कह रहा है मेरी हर कोशिश सफल होगी, मैं जो चाहता हूं सब सफल होगा, सिर्फ तुम बस पहले की बातों को भूलकर तुम अपने कर्तव्य को सबसे पहला स्थान दो सलीना। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा सूरज। तुम अपने हाथों से मेरा गला दबाकर मार दो, लेकिन मुझे मेरे टूटे दिल के साथ किसी का घर बसाने को मत कहो सूरज। चाहे मेरा फर्ज मेरे लिए कितना ही बड़ा क्यों ना हो, फिर भी मेरे अतीत को मैं भूल नहीं पाऊंगी सूरज। मेरा अतीत मैं किसी भी तरह भूल नहीं पाऊंगी सूरज। सलीना, एक बार मेरी तरफ देखो, मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरा भी तो एक मन है, मैं कैसे जी रहा हूँ? तुम जी पा रहे हो क्योंकि तुम सलीम की जिंदगी की खुशियां हो। मैं नहीं जी पा रही हूँ क्योंकि मैं सलीम की जिंदगी का श्राप हूँ। तुम जी लोगे सूरज, क्योंकि तुम्हारे दिल में सलीम के लिए बसा है स्नेह, प्यार, मोहब्बत। मुझसे नहीं होगा क्योंकि मेरे दिल में बसा हुआ है तुम्हारा स्नेह, प्यार, मोहब्बत। आज
आज तुम्हारा और मेरा रास्ता एक नहीं है सूरज। तुमने अपना रास्ता चुन लिया है। मुझे भी मेरे रास्ते जाने दो सूरज। सलीना, सलीना सुनो, सलीना। नहीं सलीना, नहीं। इस समस्या का हल मुझे ही निकालना होगा। अब मौत ही होगा मेरा एकमात्र रास्ता, मुक्त होने का रास्ता मौत से ही होगा, मेरी सारी तकलीफों का अंत, इस कहानी का अंत। नहीं नहीं सलीना, नहीं। मर के भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी सलीना, नहीं मिलेगी शांति, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद एक मासूम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और मेरे कारण तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं चाह के भी तुम्हें मरने नहीं दूंगा। नहीं, अब मैं और किसी की बात नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैं किसी का भरोसा नहीं करती। तुम लोग सभी मतलब ही हो, तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। कोई अपने दोस्त के प्यार के बारे में सोचता है? नहीं। और मेरी, तुम लोगों के सामने मेरी खुशी की कोई अहमियत नहीं। मेरी जिंदगी में तुम्हारी खुशियों की कोई अहमियत नहीं है, ये बोलकर तुम पाप कर रही हो सलीना। करने दो, फिर भी मैं कहूंगी मेरी बर्बाद जिंदगी के लिए तुम जिम्मेदार हो। मुझसे प्यार करके एक कायर इंसान की तरह भाग क्यों गए थे? क्यों तुमने कोशिश नहीं की हमारे प्यार को अमर बनाने के लिए? क्यों तुमने मुझे जोर देके अपना नहीं बनाया? तुम्हारे हर सवाल का जवाब है मेरे पास, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। आज मेरे जीवन का एक ही मकसद है, तुम्हारी और सलीम की जिंदगी की नई शुरुआत करवाना, तुम दोनों की जिंदगी को खुशियों से खुशहाल कर देना, तुम लोगों की खोई हुई खुशियों को फिर से वापस ले आना। खुद की खुशियों का गला घोटकर यही ना सूरज, तू सिर्फ ये जानता है कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। तू सिर्फ जानता है कि मेरी खुशी के लिए तू कितना कुछ कुर्बान कर सकता है, लेकिन तू ये नहीं जानता कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, और तेरी खुशी के लिए मैं कितना कुछ कर सकता हूं। तेरी जिंदगी में अंधेरा करके मैं अपनी जिंदगी रोशनी से नहीं भर सकता। मैं खुशी खुशी तुम लोग के रास्ते से हट जाऊंगा। सलीम, सलीम ये तो क्या कह रहा है, ये सोचना भी पाप है। हाँ, मुझसे छुपाकर कोई फायदा नहीं है, मैं जानता हूं सलीना तुझसे कितना प्यार करती है, और तू सलीना से कितना प्यार करता है। लेकिन तू ये नहीं जानता, जिस सलीना को मैं प्यार करता था आज वो जिंदा नहीं है। हमारे सामने जो ये सलीना खड़ी है वो मेरी सलीना नहीं है, वो सिर्फ मेरे दोस्त सलीम की पत्नी है। ये सब तो दिल बहलाने की बात है, तुझसे दया की भीख नहीं चाहिए मुझे, और ना ही मुझे किसी की दया की जरूरत है। तुझ पे मैं दया करूं इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। तो फिर जरूर तू मेरा कर्ज उतार रहा है। नहीं सलीम, नहीं, मैं चाहकर भी जिंदगी भर तेरा कर्ज नहीं उतार सकूंगा। ये मैं विश्वास नहीं कर सकता, ये सब बातें झूठी हैं। तू खुद को अकेला करके मेरी जिंदगी को खुशियों से भरना चाहता है, लेकिन तेरा प्यार छीनकर मैं अपना घर नहीं बसाऊंगा। ये मैं नहीं कर सकता सलीम, ये मैं नहीं कर सकता। सलीम सुन, हट जा। सलीम, सलीम सुन, सलीम सुन, सुन सलीम। सलीम, सलीम सुन।
डॉक्टर। सलीम बच जाएगा ना? डरने की कोई बात नहीं है, शाम तक इनको होश आ जाएगा। पर हाँ, पर क्या? ऐसे चुप मत रहो अंजलि, बोलो। इनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई है, ये अब कभी नहीं देख पाएंगे। नहीं नहीं सूरज, तुम कितनी भी कोशिश कर लो उसकी आंखें ठीक नहीं होने वाली। एक और भी ऑपरेशन क्यों ना कर लूं, उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला। मुझे पता है तुम मेरी बात से चुप नहीं बैठोगे। सलीम को शायद विदेश के किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसकी आंखों की रोशनी वापस ला सकता है। लेकिन सर, मुझे तो उसकी आंखें वापस लानी ही होगी, उसकी रोशनी वापस लानी ही होगी। सूरज, अपने दोस्त के लिए प्यार और मोहब्बत ने आज तुम्हें तुम्हारी डॉक्टरी की पढ़ाई भी भुला दी, वरना तुम खुद एक डॉक्टर होके आज ये बात नहीं कहते। नहीं सर, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, इसलिए उसकी आंखों को ठीक करने के लिए मुझे एक रास्ता मिल गया है। नहीं, उसकी आंखें ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। है सर, एक ही रास्ता बचा है। अगर आप चाहें तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। हो ही नहीं सकता। असंभव को संभव करके मैं उसे ठीक करके रहूंगा। कैसे करोगे? मैं अपनी आंखों के बदले मेरी आंखों की रोशनी के बदले। तुम पागल हो गए हो? नहीं सर, मैं अपने पूरे होश में और सोच समझ कर सलीम को अपनी दोनों आंखें दान कर दूंगा। इम्पॉसिबल, ये तुम नहीं कर सकते सूरज, और अगर तुम चाहो भी तो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है। नहीं सर, नहीं, मेरे से ज्यादा सलीम की जिंदगी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि उसकी जिंदगी के साथ जुड़ी है सलीना की जिंदगी, और उन दोनों की जिंदगी के सामने मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। तुम्हारी जो मर्जी तुम वही कर सकते हो, लेकिन मैं अपने हाथों से एक सुनहरा भविष्य बर्बाद नहीं कर सकता। मुझसे ये काम नहीं होगा सूरज, तुम किसी और डॉक्टर से ये ऑपरेशन करवाओ। नहीं सर, ऑपरेशन तो आप ही करेंगे, आपके हाथों से ही पूरा होगा मेरा ये बलिदान। मुझे पता है सर, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि क्योंकि आप मुझे अपने बेटे की तरह ही प्यार करते हैं, लेकिन मुझे मना मत करिए सर, जिसे मैंने अपने जीवन का सब कुछ दे दिया है उसके लिए एक छोटी सी कुर्बानी देने दीजिए सर। मैं अपने जीवन की रोशनी को खोकर मैं उसके जीवन को रोशन करना चाहता हूँ सर, उसके जीवन को रोशन करना चाहता हूँ सर। ठीक है सूरज, ऑपरेशन मैं करूंगा, लेकिन याद रखना, जिन हाथों से तुम मुझसे दुनिया का सबसे बड़ा पाप करवा रहे हो, उन हाथों से मैं आइंदा और कोई ऑपरेशन नहीं करूंगा। सर, यही होगा मेरे जीवन का आखिरी ऑपरेशन। लेकिन सर, मेरी एक ही गुजारिश है, एक जिंदगी में अंधेरा करके दूसरी जिंदगी रोशन मत करो। तुम अगर देना ही चाहते हो तो अपनी एक आंख दो, जिससे तुम दोनों में से किसी की भी जिंदगी में अंधेरा ना छा जाए। ठीक है सर, आपको जैसा सही लगता है सर, आप वही करिए। मेरी सिर्फ एक ही विनती है, जब तक ये ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए सर, किसी को भी नहीं। सिस्टर, पेशेंट कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में क्यों? उनका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होगा? उसके घर वाले कहाँ हैं? वो लोग नहीं आए। क्यों? उन लोगों को ऑपरेशन के बारे में नहीं पता? नहीं। सर कहाँ है पता है? अपने चेंबर में। सर, सलीम की आंखों का ऑपरेशन हो रहा है? हाँ। लेकिन
ऑपरेशन से उसकी आंखें ठीक तो नहीं होंगी? हो भी सकती है। सर, आपने खुद ही कहा था कि उसकी आंखें अब ठीक नहीं हो सकती। अब अचानक आप ही उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, वो भी उसके घर वालों को बिना बताए। आप जरूर कुछ छुपा रहे हैं सर, आपको मुझे बताना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। ऑपरेशन के बाद जान जाओ। मैं उससे पहले जानना चाहती हूँ। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। रुकिए सर, सिर्फ इतना बता दीजिए डॉक्टर सूरज कहाँ है? पता नहीं सर। तुझे जरूर पता होगा ना कि सूरज इस वक्त कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता। देख, ये बात मुझे पता है कि तू जानती है सूरज कहाँ है। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। मुझसे तू कुछ मत छुपा, मुझे बता कैसे सलीम की आंखें ठीक होंगी। मैं नहीं बता सकती, मैं कुछ नहीं बता सकती तुझे। अभी भी टाइम है। तूने अगर मुझे नहीं बताया तो मैं अपने जीवन का कुछ ऐसा खो दूंगी जो मुझे वापस कभी नहीं मिलेगा। बोल प्लीज। मैं बताऊंगी, सब बताऊंगी। सलीम जी की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए डॉक्टर सूरज अपनी आंखें दान कर रहे हैं। सूरज, डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए, मुझे अंदर आने दीजिए। सूरज ऐसा मत करो, सूरज ऐसा मत करो। मैं अपनी आंखें दे दूंगी। मैं दूंगी सूरज, मुझे अंदर आने दीजिए। सर, अंदर आने दीजिए मुझे। गुड लक एवरीबॉडी, ऑपरेशन सक्सेसफुल। हाँ, सलीम फिर से दुनिया देख पाएगा। सच में? पापा, कौन? सूरज, तुम्हें क्या हुआ? सूरज, आप तुम्हारी आंखें क्यों बंधी है? अरे क्या हो रहा है ये? डॉक्टर, इसकी आंखें क्यों बंधी है? डॉक्टर, अरे इन्हें छोड़ दीजिए। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। पहले बताइए, मुझे बताइए, इसकी आंखों पर बैंडेज क्यों है? मैं बताऊं? क्या हुआ? आप इसे छोड़ दीजिए। नहीं, मैं इसे किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी। मैं जानना चाहती हूँ उसकी आंखों पर बैंडेज क्यों है। ठीक है, तो फिर सुनिए, आपके पति की रोशनी वापस लाने के लिए सूरज ने अपनी एक आंख दान कर दी। सूरज ने अपनी आंख दान कर दी। सूरज ने अपनी आंख दे दी। आपने सुना पापा? सूरज ने अपनी आंखों की रोशनी देखकर सलीम की आंखों की रोशनी लौटाई है। आपने सुना ना, सूरज ने अपने आप को अंधेरे में ढकेल कर आपके बेटे की दुनिया रोशनी से भर दी। अब चुप क्यों खड़े हैं? कुछ बोलिए पापा। पापा, आप भी चुप रहेंगे?
कुछ भी नहीं कहेंगे। एक बार पापा कम से कम एक बार इतना कहिए। सूरज, सूरज इंसान के तौर पर हम लोगों से बहुत बहुत बड़ा है। उसके साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती। आप सर दया करके इस बात को स्वीकारिए पापा, मेरी तरह इतना स्वीकार कीजिए। नहीं बोलेंगे आप लोग, नहीं बोलेंगे आप लोग, कोई नहीं बोल सकते। आप लोग सबसे ऊपर इंसानियत को जगह नहीं दे सकते। आप लोग सबसे ऊपर इंसान का मोल नहीं दे सकते। लेकिन लेकिन मैं दूंगी। मैं सारी दुनिया के सामने खड़ी होकर कहूंगी, सर उठा के कहूंगी, कहूंगी सबसे ऊपर इंसानियत है और कुछ नहीं। पापा आप धर्म देखकर इंसान को मत परखिए। आप लोग धर्म देखकर इंसान को मत परखिए पापा, मत परखिए। लेकिन क्यों, अभी भी मेरी एक आंख तो पूरी तरह से ठीक है। अभी भी मुझे सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा सलीम, सलीम देख पा रहा है ना? या फिर मेरी सारी कोशिश बेकार चली गई है। अंजलि, मुझे सलीम के पास लेके चलो, मुझे सलीम को देखना है, मुझे सलीम के पास जाना है। अंजलि, तुम नहीं, मैं जाऊंगी। अब मुझे जाने दो। सिर्फ एक वादा करो कि तुम सलीम को बहुत प्यार करोगी, उसको खुशियां दोगी। वादा करो सलीना, तुम मेरी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगी। ख्वाहिश नहीं सूरज, बोलो हुकुम। तुम्हारा ये हुकुम मैं किसी भी कीमत पे मानूंगी सूरज, किसी भी कीमत पे मानूंगी। नहीं, ये आंख मुझे नहीं चाहिए थी, ये आंख मुझे नहीं चाहिए थी। अंजलि, क्या कह रहे हो सलीम? तुम शांत हो, मुझे छोड़ दो। सुनो, मुझे छोड़ दो, मुझे हाँ, सूरज के पास जाना है। सूरज, सूरज कहाँ है? सूरज, तुम्हें लिए जाऊंगी मैं। सलीम शांत हो जाओ, ये बैंडेज खोल दो मेरा, खोल दो बैंडेज मेरा। सलीम, तू ये क्या कर रहा है? अपने हाथों से ये बैंडेज खोल दी, क्यों खोल दी? बोल। सलीम, तुझे क्या कुछ दिखाई नहीं दे रहा? बोल ना, क्या तुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा? दे रहा है, तेरी आंख से मैं तुझे ही देख रहा हूं सूरज। हाँ हाँ, लेकिन तूने ये क्या कर दिया? ये तो मैंने नहीं चाहा था, इतना बड़ा बलिदान दे दिया तूने। नहीं, ये कर्ज मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। दुनिया का कोई भी इंसान ये कर्ज नहीं उतार पाएगा। नहीं सलीम, मैंने कोई दान नहीं किया, कर्ज भी नहीं चुकाया है। मैंने तो सिर्फ दोस्त होने का फर्ज निभाया है। सलीम, तू तो मेरा वो खास दोस्त है
जिसके लिए मैं हंसते हंसते अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ सूरज, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। सलीना, सलीना, अगर मुझे कभी भी पता चला कि तुम दोनों एक साथ खुश नहीं हो, उस दिन समझूंगा मेरी आंखों की रोशनी, मेरी कुर्बानी सब बेकार चली गई, सब बेकार चली गई। सलीम, चलता हूं सलीम। ए, 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 सूरज, सूरज तू जो कहेगा मैं वही सुनूंगा, तू जो चाहेगा मैं वही करूंगा। तू मुझे छोड़ के मत जा भाई, तू मुझे छोड़ के मत जा। नहीं सलीम, नहीं, उसको जाने मत दो सलीना, उसे जाने मत दो सलीना, उसे रोको। नहीं, उसे जाने दीजिए, आप उसे अब मत रोकिए। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन जहां भी जाओगे मुझे बताकर जाना, और अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े याद कर लेना। बहन, सारी जिंदगी जिससे बेइंतहा मोहब्बत की, उसे इस हाल में छोड़कर नहीं जाते। इतने दिन तुम्हारे हिस्से का ये हार मेरे पास अमानत था, सूरज की बीवी के लिए बना हुआ ये हार। मैं अपने हाथों से आज तुम्हें पहना रही हूं। तू इसे और तकलीफ मत दे, तू इसे अपना ले, यही मेरी तुझसे आखिरी विनती है।